नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 17 जुलाई से श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और आपको ये भी मालूम है कि श्रावण का जो महीना होता है वो कितना महत्वपूर्ण, कितना शुभ महीना माना जाता है। इसके पीछे की एक मान्यता है, मान्यता यह है कि जब चतुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं 4 महीने के लिए, तो उस दौरान भगवान शिव अपने रुद्र रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं और इसी वजह से भगवान शिव को ये जो महीना है श्रावण का वो बहुत ही प्रिय महीना है। और इसमें जो भी कोई इंसान पूजा पाठ, भजन पूजन या भगवान शिव को का आराधना करते हैं उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और आप ये भी जानते होंगे कि श्रावण के महीने में सोमवार का विशेष महत्व है और सोमवार जो श्रावण के महीने के सोमवार होते हैं उनको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज मैं आपको इन्हीं सोमवार के बारे में बताऊंगा कि अगर आप श्रावण के आखिरी सोमवार को एक छोटा सा उपाय अगर करते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो उस उपाय के थ्रू आप अपनी मनोवांछित कामना को पूरा कर सकते हैं, यानी अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। आप कोई सी भी मनोकामना होगी लेकिन ये प्रयोग करने से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी या कह सकते हैं तुरंत पूरी हो सकती है अगर आपने उस प्रयोग को विधि पूर्वक और पूरे श्रद्धा से किया। तो चलिए बिना समय खर्च किए हुए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या प्रयोग है। आपको इसके लिए करना क्या है कि आप आखिरी सोमवार के दिन जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए, स्नान करने के बाद आप शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर आप विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करिए, पूजा उनकी पूजा अर्चना कीजिए। अब भगवान शिव की कैसा अभिषेक करना है और किस प्रकार से विधि पूर्वक पूजा करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक हिंदू है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए और होती भी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी भी विधि से पूजा करिए, किसी भी तरीके से अभिषेक करिए, भगवान सब आपकी जो पूजा है उसको ग्रहण कर लेंगे। कोई विशेष विधि की जरूरत होती नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसी तरह से करेंगे तो ही भगवान आपको आपकी पूजा को ग्रहण करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके से पूजा कर सकते हैं लेकिन एक पंडित होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आप विधि पूर्वक पूजा करिए। इसके बाद आप नंदी भगवान के पास जाइए। आपको मालूम नंदी भगवान कौन होते हैं? जो भगवान शंकर के सामने हमेशा बैठे रहते हैं, जो एक बेल होते हैं वो, उनको नंदी भगवान बोलते हैं। और नंदी भगवान भगवान शिव के सबसे प्रिय गण हैं। भगवान शिव के जितने भी गण हैं उनमें सबसे प्रिय उनको नंदी है। तो आप अपनी जो मनोकामना है वो नंदी भगवान को कहना है। अब कहना कैसे? पहले आप नंदी भगवान के पास जाकर उनके कान में शिव गायत्री मंत्र को बोलना है। अब शिव गायत्री मंत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ। शिव गायत्री मंत्र, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मैं फिर से बोल रहा हूँ मंत्र, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप जितनी बार भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। आप एक बार बोल सकते हैं, 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप इस मंत्र को नंदी भगवान के कान में बोल दीजिए। इसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए जो कि आप चाहते हैं भगवान शिव से, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप उस नंदी भगवान के कान में बोल दीजिए। अगर आप इस तरीके से अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं तो नंदी भगवान आपकी वो मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचा देंगे। और क्योंकि वो नंदी के थ्रू आई है तो इसलिए वो जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। आप करके देखिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।